अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेडिसिन विद चिप्स। टुडे द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज कि एम डी कैट का एक्सपेक्टेड मेरिट कितना होगा, और इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट का जो है वो मेरिट नहीं बन रहा, तो जो बॉर्डर लाइन का स्टूडेंट्स है फॉर एग्जांपल, उनको क्या करना चाहिए, रिपीट करना चाहिए या किसी और फील्ड की तरफ जाना चाहिए। तो इन सब क्यूरीज पर डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सेकेंड ईयर के स्टूडेंट सी एम एस खारिया के डॉक्टर शहजाद। इनके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है और इस चीज़ पर वो देख रहे होते हैं, तो हम इनसे डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे एंड होप सो कि आपकी क्यूरीज रिजॉल्व हो जाएंगी। वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू कश्यप भाई, पूछें आप जो पूछना चाह रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन है कि एम डी कैट तो हो गया, तो के अदर इट वाज इजी और डिफिकल्ट, किस तरह का था एम डी कैट? कश्यप भाई, इसमें ना हम इसको प्रोविजनल लेवल पे देखेंगे। सबसे पहले अगर हम पंजाब की बात करें यूएचएस की तरफ से, तो एम डी कैट आसान था, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो यूएचएस ने की दी है और जो बच्चों ने पेपर को सॉल्व किया, उसके अंदर प्रॉब्लम ये आ रहे थे कि बुक की लाइन है एग्जैक्टली जो 100% ठीक है, लेकिन वो की के अंदर रॉन्ग है, तो की के अंदर मसाइल आ रहे थे यूएचएस की तरफ से। अगर हम सजेंबो की बात करें तो उनका भी एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम था, जबकि ईटा जो कि केपीके का एंट्री टेस्ट है, उसके मसाइल ज़रा डिफरेंट इसलिए थे कि बच्चे ब्लूटूथ डिवाइसेस लेके गए हुए हैं, और वो आजकल पिशावर हाई कोर्ट में उसकी हायरिंग भी हो रही है, और काफ़ी डिफिकल्ट एम डी कैट था ईटा का। अगर हम सिंध की तरफ देखें तो सिंध का भी जो है वो भी इसी तरह का मामला चल रहा है, उसका भी अभी ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ। उसके बाद बलूचिस्तान की बात करें तो उनका एम डी कैट आसान था, और ओवरऑल अगर हम सब की बात करें तो सिजैम्बो का टेस्ट ज़्यादा आसान था एज़ कम्पेयर टू हम अगर जो बाकी बात कर रहे हैं बाकी सूबों की नस्बत, तो लेकिन ये हर साल के मसाइल हैं, हम क्या कह सकते हैं, ठीक है। लाइक एम डी कैट जो पंजाब का था वो एज कम्पेयर टू मॉडरेट इजी था। था। हाँ, आप मुश्किल नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं, लेकिन ये है कि जिस तरह पहले यूएचएस का था ना मुश्किल आता है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है इस साल। ठीक है। नेक्स्ट है कि लाइक हर दफ़ा इश्यूज बच्चों के आ रहे होते हैं यार, कि भाई पीएमजी, कभी पीएमसी आ जाता है, कभी पीएमडीसी आ जाता है, और कभी पेपर लीक हो जाता है, तो हर दफ़ा ही हमारे साथ क्यों स्टूडेंट सफ़र कर रहे होते हैं? इसमें भी मेरे ना पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, यानी जिस पार्टी की हुकूमत है वो इदारों को भी जो है ना इन्वॉल्व कर रही होती है, कि अगर फलां पार्टी की हुकूमत है तो वो चाह रही है कि पीएमसी हो, और दूसरी की है तो वो चाह रही है कि पीएमडीसी हो, तो अल्टीमेटली इसका जो नुकसान है ना वो स्टूडेंट्स को है सबसे ज़्यादा। स्टूडेंट सफ़र जो है ना उर्दू वाला और इंग्लिश वाला दोनों वाला वो स्टूडेंट्स बेचारे कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग खुद इसी से ही गुजर के आए हैं। अब 2021 में जब मैंने दिया तो उस वक्त भी इस तरह की सिचुएशन थी। अब पिछले साल देखें तो जी यही प्रॉब्लम थे कि पीएमडीसी लेगी या पीएमसी लेगी, नेशनल लेवल पे होगा, प्रोविजनल लेवल पे होगा, तो ये सारे मसाइल जो है ना हर दफ़ा, हालांकि जो इतना मुश्किल काम नहीं है भाई, इसको आप पॉलिटिक्स से आज़ाद कर दें, इसको इदारे के तौर पे मजबूत बनाएं, चाहे पीएमडीसी हो पीएमसी हो, अब पॉलिटिक्स का तो इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली जो है ना स्टूडेंट के मसाइल को सुनना चाहिए और उनको हल भी करना चाहिए। हमेशा हमारी दफ़ा भी ये हुआ कि जनाब हम इसका पोस्ट एनालिसिस करवा रहे हैं तो किसी को रैंडमली 10 नंबर दे दिए, किसी को 20 दे दिए, एग्जैक्टली अब भी यही हुआ है। कौन सा एक दो दिन में एनालिसिस हो जाता है इतने लाखों बच्चों का, तो बच्चों को डाइवर्ट किया है। इसमें ये होता है कि जिन बच्चों के तो नंबर थोड़े से अच्छे आ गए, उनको लग रहा है मेरिट बन रहा है, तो वो शोर शराबा नहीं करेंगे। शोर शराबा बेचारा वो करेगा जिसको अच्छे की उम्मीद थी उसके अच्छे आए नहीं, उसका तो हक बनता है वो शोर शराबा करे, तो स्टूडेंट डिवाइड हो जाते हैं, तो फिर वो उस तरह से एहतजाज भी नहीं होता ना ऑनलाइन ना ही फिजिकल, तो ये प्रॉब्लम्स हैं। इसमें स्टूडेंट्स को यूनिटी शो करनी चाहिए, इवन कि जिनका मेरिट बना भी है हक के लिए जरूर खड़े हूँ जहाँ पे भी प्रॉब्लम्स हैं। बाकी गवर्नमेंट से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि वो इन मसाइल को हल करें, ये हमारी मुल्क की क्रीम है, और अगर आप इन बच्चों के अंदर मायूसी फैलाएंगे तो अल्टीमेटली ये इन्होंने कल को मुल्क की बागडोर संभालनी है, तो हमें अपने इदारों को मजबूत करना होगा इस मामले में। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ वाज द लास्ट ईयर मेरिट, कि वो कितना था, और ठीक क्लोजिंग है। मेरिट प्राइवेट का नहीं, गवर्नमेंट मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज। मेडिकल कॉलेज का यूएचएस की अगर हम बात करें तो यूएचएस का जो क्लोजिंग मेरिट था इसके लिए एमबीबीएस के लिए वो 91.4% था ये डेरा गाजी खान का डीजी खान का, और अगर हम बात करें बीडीएस की तो वो 91.2% था, ये नाइनटी लास्ट ईयर वन क्लोजिंग पॉइंट मेरिट हम बता रहे हैं। और ये कितनी मेरिट लिस्ट लगी थी इसकी? तीसरी या चौथी मेरिट लिस्ट में ये, वो भी सिर्फ ये है कि 0.012% का फर्क पड़ता है, यानी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया, ठीक है। बिल्कुल ऐसे है। जबकि कुछ तो बीडीएस में जो है ना कुछ कॉलेज का मेरिट इवन ज्यादा था एमबीबीएस से भी। अच्छा, बीडीएस का तो मेरिट प्रेफरेंस का होता है ना कि जिस बच्चे ने ज्यादा। प्रेफरेंस दे दी तो मेरिट ज्यादा हो गया इस वजह से। ठीक है। नेक्स्ट है कि अब इस साल का एक्सपेक्टेड मेरिट क्या होगा, लाइक थोड़ा सा ये इंक्रीज करेगा ठीक डिक्रीज है। करेगा? वैसे मुझे बिल्कुल भी प्रिडिक्शन की आदत नहीं है, लेकिन ये है कि हम बच्चों को होता है कि हमें पता चल जाए कि हम क्या सेफ जोन में है या नहीं, तो ये मेरी हतमी राय भी नहीं है इस मामले में। जो मुझे एक्सपीरियंस से ये चीज़ लग रही है ना कि इस साल का मेरिट 0.1-0.2% इंक्रीज करेगा, मसलन अगर पिछले साल 91.4 था तो इस साल 91.56 होगा। और ये मैं किस लिए कह रहा हूँ कि इसमें अगर हम यूएचएस के स्टैट्स देखें और सिजैम्बो के स्टैट्स देखें, इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है ना कि सिजैम्बो के बच्चे यूएचएस में अप्लाई कर सकते हैं, जबकि जो सिजैम्बो के स्टैट्स है ना वो 90+ ढेर सारे लोग हैं, जबकि यूएचएस में 90+ चंद लोग हैं।
लेकिन अप्लाई तो वो भी कर सकेंगे, तो इससे थोड़ा सा मैरिज मेरिट फ्लक्चुएट करेगा, 0.1-0.2% जो है ना वो इंक्रीज होने के चांस है। अब हम पता क्या हमारा अब जो फर्स्ट ईयर हमारे कॉलेज के अंदर है गुजरात मेडिकल कॉलेज में, उसमें भी जो था ना अधिवाम सजा मुक्ति आई हुई है, मेडिकल कॉलेज दिए हुए एफएमडीसी उनके पास है, शेख जैद लाहौर वाला आपने, तो उनके जब मेडिकल कॉलेज स्पेसिफिक है तो सिजेम्बो का टेस्ट स्पेसिफिक कर दें। हाँ, तो या तो टेस्ट ले ना, टेस्ट अगर ले रहे हैं हाँ, तो फिर जो आंसर उनको अपने कॉलेजेस तक, दोनों का डिफिकल्टी लेवल में फर्क था, यूएचएस में और सिजेम्बो का टेस्ट में डिफिकल्टी लेवल ही, या तो एक टेस्ट होता हाँ, तो सही है कि सारे बच्चे एक ही कम्पीट कर रहे हैं, तो ये जिन बच्चों ने सिजेम्बो में अप्लाई नहीं किया नहीं दिया तो उनके साथ ये जाती है। वैसे हमारी दफा नहीं था हुआ जब लाइक 2 साल पहले ये नहीं था, 3 साल पहले नहीं था, ये पिछले साल से प्रॉब्लम आना शुरू हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अब कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका 93 या 94 है एग्रीगेट बन जाता है, कईयों का 89 है, ठीक है 90 भी है, कुछ बॉर्डर लाइन पे है ना 90.14 90.15 लाइक, तो वो उनको उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? ये वैसे ना क्योंकि वो बड़े क्यूरियस होते हैं कि यार आज इधर हमारा होगा नहीं होगा, लिस्ट कब लगेगी। काशी भाई ये बहुत ना क्रिटिकल सिचुएशन होती है जब आप इस सिचुएशन में होते हैं कि आपको ये भी नहीं पता हो रहा था कि आया मेरा एडमिशन हो जाएगा या नहीं होगा। अब 93-94 वाले तो सेफ जोन में है, अब 89-88 वाले उनको पता हमारा होना नहीं, लेकिन ये जो बच्चे 91.4-91.5 पे है ना, जब 90 से ऊपर कोई भी, 90 से ऊपर वाले जो भी हैं, तो हालांकि 90% मेरिट होना बहुत बड़ी बात है, और अगर हम इसको देखें ना स्टैटिक्स के हिसाब से कई कई गांव में से एक बच्चा स्टूडेंट जो है ना वो एमडी कैट देने जा रहा होता है, वो गाँव को रिप्रेजेंट कर रहा है कितने शहरों में से, तो ये 90% भी बहुत मेरिट है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो बॉर्डर लाइन पे बेचारे बच्चे होते हैं, खासतौर पर अब तो 91% से जो अबव वाले हैं उनकी बात करें तो उसमें गोम गो की सूरत हाल है, जिनका तो 91.45 है ना बीडीएस में हो जाएगा, लेकिन वो बच्चे बेचारे टारगेट कर रहे हैं एमबीबीएस को, बीडीएस तो वो तब एडमिशन लेंगे जब उनका एमबीबीएस में नहीं हो रहा। अब ऐसे बच्चों के लिए मैं हमेशा बच्चों को ये कहता हूँ, चाहे इसको पॉजिटिव लें या नेगेटिव, कि हमेशा जिंदगी में ना प्लान बी जरूर रखें। ठीक है, नो डाउट आपने एमडी कैट को 100% अपना दिया, अपनी तरफ से 100% कोशिश की, लेकिन रिजल्ट्स तो आपके हाथ में नहीं है ना, और जरूरी नहीं है कि आपको जीना मरना सिर्फ एमबीबीएस है, ठीक है, आपके पास दो तीन प्लान होने चाहिए, आपके पास प्लान बी और सी होना चाहिए, इन केस कि अगर आपका प्लान ए फेल होता है काम नहीं करता तो आपके पास प्लान बी हो, कि इन केस अगर ये मेरा प्लान इस तरह से नहीं चला तो ये मेरे पास प्लान बी है। इसमें प्रॉब्लम सबसे ज्यादा ये होता है कि 91.4 या 5 वाले जो बच्चे होंगे ना, जब वो कहीं अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि उनको लगता है कि शायद हो जाए और शायद ना भी हो, तो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियां जो है ना उनकी डेडलाइन गुजर चुकी होती है, आपके पास ऑप्शन ही लिमिटेड हो जाते हैं, आप ना चाहकर भी ऐसी फील्ड में चले जाते हैं जिसमें आप जाने नहीं चाह रहे क्योंकि आपके पास ऑप्शन खत्म हो गए, इसलिए अगर उनके पास प्लान बी होगा तो वो अच्छे जगह पे अप्लाई कर देंगे, इनकेस उनका एमबीबीएस में हो जाता है जैसे बॉर्डर लाइन वाले हैं तो ठीक है भाई, जिस डिग्री में आप एडमिशन लेना चाह रहे उसको छोड़ दें, आपका एमबीबीएस में हो गया, आपका प्लान ए काम कर गया, लेकिन ये प्लान इन काम नहीं करता तो प्लान बी तो स्ट्रांग हो आपके पास, तो ये मैं जॉनसन बच्चों का एक साल जिनका जो मेरिट कम आया है ना उनके पास क्या ऑप्शन होने चाहिए, तो उनके पास क्या ऑप्शन है, ठीक है, उनके पास अगर हम एमबीबीएस की फील्ड की तरफ जाए ना सबसे पहला ऑप्शन ये है कि वो रिपीट कर सकते हैं, ये उनके लिए जो फ्रेश है स्टूडेंट्स है कि एक रिपीट वाला ऑप्शन है, कि अगर आपको लगा है आपने अपनी गलतियां आइडेंटिफाई कर ली हैं कि आपकी तरफ से कुछ मसाइल थे, आपकी अप टू द मार्क जो है ना प्रिपरेशन नहीं थी, वो तो रिपीट की तरफ जाएं। हाँ, इनकेस वो स्टूडेंट्स जो अफोर्ड कर सकते हैं वो प्राइवेट एमबीबीएस की तरफ, लेकिन वो स्टूडेंट्स हैं जो खुद एमबीबीएस करना चाहते हैं, पेरेंट्स से हमारी इस मामले में ये गुजारिश है कि बच्चे आपकी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए पैदा नहीं हुए, आप खुदा के लिए उनको थोड़ा सा इस मामले में फ्री हैंड दें कि वो जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उनको उस फील्ड में जाने दें। मैं सिर्फ एमबीबीएस में उन बच्चों के हक में हूँ, वो आए जो खुद आना चाहते हैं, जो खुद एमबीबीएस करना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि उनके पेरेंट्स चाहते हैं, क्योंकि इसकी वजह से फील्ड को भी प्रॉब्लम्स आते हैं और वो बच्चे बेचारे सारी जिंदगी जो है इस चीज को कोसते रहते हैं कि हम तो इस फील्ड में नहीं आना चाहते थे, हमारे पेरेंट्स ने ये कहा, तो इसको थोड़ा सा इस ट्रेंड को चेंज होना चाहिए। उसके बाद जो ऑप्शन बचते हैं वो बैरून मुल्क है, उसमें चाहे चाइना हो, किर्गिस्तान हो, यूक्रेन हो, वहां से आप एमबीबीएस कर लें। अगर हम अदर देन एमबीबीएस की बात करें कि उनके पास क्या ऑप्शंस हैं, तो उसमें अलाइड हेल्थ साइंसेज की बहुत सारी फील्ड्स हैं, उसमें डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी है, हम फील्ड्स के नाम बता रहे हैं, अब हर बच्चे के आगे चॉइस है। अगर फीमेल है तो उनके लिए बीएस नर्सिंग बहुत अच्छी फील्ड है, अगर उनका एमबीबीएस में नहीं होता तो वो इसको प्रायोरिटी दें। अगर मेल है तो उसमें वो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी अच्छी है, बिजनेस के हिसाब से बहुत अच्छी फील्ड है। उसके बाद जो है ना हमारे पास एएचएस में रेडियोलॉजी है, इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, एमएलटी है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है, तो इसलिए फील्ड कम नहीं है।
और अगर आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं मेडिकल लाइन से, तो उसमें आजकल जिन फील्ड्स की डिमांड है उसमें बीएस डाटा साइंस है, साइबर सिक्योरिटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये बहुत अच्छी फील्ड है, कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी, और इनका फ्यूचर भी है नो डाउट। हर शोबे में ये चीजें जो है ना आपके काम आएंगी, और दुनिया डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है तो ये दुनिया की मजबूरी बन जाएंगी, तो इसलिए इन फील्ड की स्कोप आइंदा 5 से 10 सालों में बहुत ज्यादा है, इस वक्त भी है और मजीद फ्यूचर में भी इनका स्कोप आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब बच्चे जोन सा चाह रहे होते हैं कि हम रिपीट करें या रिपीट ना करें, वो एक जरा ना मिस वो उसमें होते हैं कि हम किस डिसीजन नहीं ले पा रहे होते, तो बच्चों को रिपीट करना चाहिए या बच्चे जो है ना वो किसी और फील्ड ज्वाइन कर लें? अच्छा, इसमें बिल्कुल ना एक चीज क्लियर है, जो बच्चे तो बहुत करीब से रहे हैं ना और वो फ्रेश थे, तो एक साल उनको रिपीट जरूर कर लेना चाहिए। रिपीट इस मामले में करना चाहिए कि उनको ना अपनी सबसे पहले गलतियां आइडेंटिफाई होनी चाहिए कि आया मेरा प्रॉब्लम FSC के नंबर कम होने की वजह से मेरा मेरिट नहीं बना, या मेरे प्रॉब्लम्स जो है वो एंट्री टेस्ट के अंदर थे, आया मेरी इंग्लिश कम इंग्लिश की तैयारी उस तरह से नहीं थी, या मैंने फिजिक्स में मार्क आई है, जो जो तो उनकी गलतियां आइडेंटिफाई हो गई हैं और उनको लगता है कि उनको करेक्ट कर सकेंगे, फिर वो दोबारा MD CAT की तरफ जाएं। अगर उनको लगता है ना कि वो नहीं कर पाते, सपोज एक बच्चा ऐसा है जिसके 700-800 नंबर है और उसको लगता है कि क्योंकि उसका मुकाबला 1000 प्लस वालों से है, 1050 वालों से है, तो अगर तो उसको लगता है कि इंप्रूवमेंट से उसके इतने नंबर बन जाएंगे, 1050 में चला जाएगा और MD CAT में भी वो 180 प्लस स्कोर कर जाएगा, फिर उसको रिपीट की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि रिपीट वाला ऑप्शन आपका पूरा एक साल आपका बहुत डिप्रेशन में गुजरता है, ताने भी हैं, लोग जो है ना पूछ रहे होते हैं अच्छा ये फेल हो गया है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए अल्टीमेटली आपको डीमोटिवेट कर रही होती हैं, तो ये एक टफ डिसीजन है, इसको बहुत सोच समझ के लें। इसमें स्टूडेंट दूसरी गलती ना इंप्रूवमेंट में करते हैं कि जब वो इंप्रूवमेंट के लिए देख रहे हैं ना, तो वो देख रहे होते हैं कि अच्छा फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है ना इन्हीं से MD CAT भी आना है और इनमें ऑलरेडी अगर उनके अच्छे नंबर है फिर इनको इंप्रूव करते हैं, वो उर्दू और इंग्लिश को जो है ना उस तरह से अहमियत नहीं दे रहे इंप्रूवमेंट के सिलसिले में, तो अगर उनके उर्दू और इंग्लिश में नंबर कम है तो उनको इंप्रूवमेंट में जरूर कंसिडर करें, इंप्रूवमेंट में ये गलती जो है ना स्टूडेंट अक्सर करते हैं, इसको अवॉइड करें, बाकी एंटी टेस्ट में जो उन्होंने गलतियां की हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको रेक्टिफाई कर लें, तो उनकी रिपीट की तरफ जाना चाहिए। अगर उनको लगता है कि नहीं वो रिपीट के लिए नहीं है और उनका साल जाया होगा, फिर वो बिल्कुल भी रिपीट की तरफ ना जाए। ठीक है, सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस। इफ यू हैव एनी क्यूरीज यू कैन आस्क। सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।